हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। देखिएगा अच्छा खासा यहाँ पर, देखिएगा रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट सेशन को जज साहब का मकान है और यहाँ देखिएगा हालात किस तरीके से हैं। पानी का देखिए, बच्चे किस तरीके से डूबे पड़े हैं वो हालात आप देख लीजिए क्या हाल है। जब ऐसे पॉश एरिया का हाल इस तरीके का है तो शहर के हालात कैसे होंगे कहने की आवश्यकता नहीं है। और इधर भी आपको इधर जिला उपायुक्त साहब का घर है, ये देखिएगा यहाँ जिला उपायुक्त साहब का घर है, मतलब डीसी साहब का घर है। डीसी साहब पूरे शहर भर के हालात देख रहे हैं कि स्थिति है, जगह जगह जाके जल भराव की स्थिति देख रहे हैं कि जल भराव की स्थिति शहर में किस तरीके है। लेकिन उनके घर के आसपास ही अगर ऐसे हालात हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं कि शहर का विकास किस दिशा की तरफ मुड़ रहा है। ये फैदाबाद का सेक्टर 16 का एरिया है, पॉश एरिया बोला जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हालात देखिए किस तरीके के हैं, पूरी सड़क जल भराव से स्थिति में है। बच्चे वो देखिएगा, बच्चे नहा रहे हैं वहाँ, देखिएगा बच्चे, वो देखिएगा बच्चे नहा रहे हैं। अच्छे खासे हालात यहाँ बिगड़े पड़े हैं, ये हाल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शहर के हाल हैं। इधर डीसी साहब का घर है और इधर ये देखिएगा जज साहब का घर है, मतलब फैदाबाद के उस पॉश एरिया का हाल इस तरीके का है। तो आप और आपकी गली में किस तरीके का हाल होगा कहने की आवश्यकता नहीं। ये देखिए गड्ढे में गिरा, ये देखिए गिरने की आवश्यकता हो रही, किस ये देखिए किस तरीके के बाइक पूरी तरीके से डूबी पड़ी है। ये हाल बद से बदतर है। सरकार के और कहते हैं फैदाबाद प्रशासन के कार्यशैली पर सवालिया निशान पैदा होते हैं कि इस तरीके के हालात पैदा करने वाले वे कौन लोग हैं जो ऐसे पॉश एरिया में भी अगर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं तो पूरे फैदाबाद में हालात बद से बदतर हो चुके होंगे कन्फर्म। ये बच्चे भी देख लीजिए कैसे नहा रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, बड़े ही बेहद शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल से लेके जा रही है और हालात देखिएगा किस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। ये देखिएगा बच्चा किस तरीके से बच्चे को, माँ अपने बच्चे को किस तरीके से लेके जा रही है। यहाँ गहराई इतनी है कि बच्चा कहीं भी कोई मतलब हादसे का शिकार हो गया या कोई दुर्घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। ये देखिए हालात किस तरीके से हैं, ये देखिए माँ अपने बच्चे को किस तरीके से लेके ले जा रही है। ये देखिएगा स्कूल के बच्चे जा रहे हैं तो कैसे हालात यहाँ पैदा हो रहे हैं, ये मैं आपको हाल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बद से बदतर के हालात यहाँ पैदा हो रहे हैं। ये देखिएगा माँ अपने बच्चे को किस तरीके से लेके जा रही है, डर, ये डर है, ये इस तरीके का बच्चे देखिए बच्चा किस तरीके से जा रहा है, ये गंभीर विषय है। यहाँ पर शहर में अगर ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं तो सोचना चाहिए, फैदाबाद प्रशासन को सोचना चाहिए क्योंकि ये पॉश एरिया है, यहाँ वही बड़े बड़े लोग रहते हैं। ओ देखिए बच्चा गिरा, बच्चा भी गिर जाता, देखिए छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी बच्ची है, माँ डर डर के जा रही है। एक तो गोद में बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, हो सकता है 6 महीने का बच्चा हो। दूसरा आप देखिएगा एक बच्ची छोटी सी स्कूल से LKG UKG की बच्ची है, उसे किस तरीके से लेके जा रही है, देखिए। और देखिए और बच्चा गिरा, बेहद गंभीर, बेहद शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को, शर्म आनी चाहिए उन विभाग के लोगों को जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कि जबकि आपको बता दूं ये ग्रेटर कहते हैं इसमें FMDA भी बहुत कुछ काम कर रही है, मतलब ये देखिए बच्ची किस तरीके से डर डर के, अगर बच्चे का हाथ छूट जाए तो यहाँ एक दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये हालात यहाँ पैदा हो रहे हैं। ये फैदाबाद का सेक्टर 16 का पॉश एरिया है। यहाँ पर आप देख रही हैं जिला उपायुक्त मतलब DC साहब का घर, ये रहा सामने देखिए DC साहब का घर, और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ जज साहब का घर है। ये हालात पैदा हो रहे हैं, किस तरीके हालात बेहद गंभीर हैं।